इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवक और एक प्रसिद्ध उद्योगपति पवन कंसल जी। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे और बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, अब तक के सफर के बारे में। नमस्ते सभी को। और जो ये सवाल आपने पूछा जीवन के बारे में, तो बड़ी बात है जी। पर फिर भी मेरा जन्म हरियाणा के बेरी गांव में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हुआ और पांचवी क्लास तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद जो है मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और तो बड़े भाई के साथ, और मैं करीब 10 स्टेट में इंडिया में रहा हूँ। और मैंने जो है टेक्सटाइल ITI किया, फिर उसके बाद मैं इस स्टेनलेस स्टील व्यापार में आया। और इस स्टेनलेस स्टील व्यापार के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले एक बेबी स्पून होता है, खाली चम्मच, जो कि हम बचे हुए लेफ्ट ओवर मटेरियल जो है चूल्हे की साइड पट्टी होती थी उससे हम बनाते थे। फिर हमने इसमें फोर्क बनाया, नाइफ बनाया और फिर उसके बाद फुल सीरीज बनाई और हम लोग फिर एक्सपोर्ट में आ गए। तो आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज हम स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर की बनाते हैं, जिसमें मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं और हर रोज़ के 4-5 आइटम नए बनते हैं। करीब 100 कंट्री में एक्सपोर्ट है और इंडियन मार्केट के अंदर में हम लोग जो है जनरल ट्रेड जैसे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, कॉरपोरेट गिफ्टिंग है, होटल वेयर है, पेट वेयर है, और दूसरा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हमने वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके अंदर के हमारी आइटम कोई भी व्यक्ति जो है ऑर्डर दे तो उसे कैश ऑन डिलीवरी और GST हम लोग खुद ही भरते हैं, उसके लिए तो फ्री है, और डिस्काउंट भी देते हैं और साथ में 1 month रिटर्न गारंटी भी दे रखी है, जिससे कि उसको अगर माल पसंद भी ना आए तो वापस दे दे वो। तो इस ट्रेड के अंदर में हम लोगों ने कुछ ऐसा कर पाए। तो अब हमारे कंपनी का एक बड़ा विज़न बना है, जिसमें कि हम लोग 2025 तक 1,00,000 फैमिलीज़ हमारे काम से चल सकें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, काफ़ी अच्छे मुकाम पर है, तो उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो माता रानी को जाएगा जी। अब बात तो ये है, जब से माँ गई, पिताजी गुजर गए थे, तो उसके बाद माँ को पैरालाइज हो गया और मैं 7वीं क्लास में था, तो माता रानी ने जो है ना जैसा भी मंजूर उसको, मेरी मदर की भी डेथ हो गई, तो उसी दिन से माता रानी ने गोद में ले लिया। तो जो माँ की कृपा है, जैसे वो चला रही है हम चल रहे हैं। और ये सब कुछ कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कुछ देश के लिए कर पाएंगे। तो आज एक ये हमारा प्रतिष्ठान जो जगदम्बा कटलरी लिमिटेड के नाम से है, ये खाली एक व्यापार ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन भी है। और यहाँ से भी करीब 50 फैक्ट्री और लगी हैं और बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का काम हम लोग एक विज़न में रखते हैं कि हमारे यहाँ से हजारों फैक्ट्रियाँ लगे, कम्प्लीट जो है ना इंटीग्रेटेड हाउसवेयर सॉल्यूशन के लिए सिटीज़ बने, जैसा कुंडली आज स्टेनलेस स्टील नगरी बन गया है, ऐसे और भी देश के अंदर में जो है ना बढ़ावा हो, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और लाखों लोगों को व्यापार मिले और सारी दुनिया को हम अपने व्यापार से सेवा कर सकें जी। सर, अब बात करेंगे ये जो नाम है जगदम्बा कटलरी, इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। हाँ, जगदम्बा कटलरी, जैसा मैंने कहा भाई, मेरी जिंदगी में दो चीज है जो विशेष महत्व रखती है, एक माँ और एक देश। तो माँ तो सबसे पहले दुर्गा माँ, क्योंकि हम वैष्णव हैं, मेरे पिताजी जो है भगत जी के नाम से मशहूर थे और हर अष्टमी को घर में जो है ना जागरण करते थे, बहुत लोग आते थे हर महीने जो चांदन की अष्टमी होती है शुक्ल पक्ष की, तो देवी माँ का विशेष हमारे यहाँ पे रहा है। तो उसी से हमने जगदम्बा कटलरी अपने कंपनी का नाम रखा और माँ का विशेष स्थान है और माँ की वजह से ही है जो कुछ है, तो जगदम्बा नाम से ही कर रहे हैं काम जी। सर, अब बात करेंगे जैसे जो कोरोना था उसने काफ़ी क्षति पहुँचाया है व्यापार जगत को, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना जो आया
स्पष्ट तौर पे जो दिखता है वो व्यापार को काफ़ी क्षति हुई, पर मैं कहूँ कि कुल मिला के जैसे मुझे ही जो है 37 ईयर्स हो गए काम पे, तो कभी तो रुकना पड़ता है काम में, रुक के आगे चलना है तो पहले सांस ले लें, कुछ चीज़ें ठीक कर लें, तो कहीं हमने कुदरत के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया है। कोई वजह और भी हो सकती है कोरोना की, कोरोना से जितना नुकसान हुआ वो तो हुआ, परंतु उपलब्धियां भी बहुत हैं। मैं तो इसको पहले तो ये है चैलेंज के भी कोरोना अब ना आए, आए तो हम उससे लड़ पाएँ, इसके साथ ही जीवन चलाना है। बहुत बड़ी वर्ल्ड की कॉन्स्पिरेंसी किसने किया क्या किया, मैं उस बात पे ना जाके मैं तो उस बात पे जाऊं कि भई अब हमें क्या करना है। तो कोरोना के वक्त हमने सबसे पहले तो जो माता रानी ने हमसे करा लिया बड़ा भाग हमारा, कि हम लोग जो है 3 महीने बड़ी अच्छी सेवा में पिछले मार्च में रहे, और करीब जो है आप ये समझें कि 3 से 4 लाख लोगों को भोजन और 20,000 परिवारों को ड्राई भोजन, और बड़े ही विशाल तरीके से हम ये कर पाए जी। दूसरा, कोरोना से व्यापार धंधे का जो नुकसान हुआ और लोगों को गांव भागना पड़ा, वो सीन आज भी अगर मेरे सामने आए तो बड़े दुख का समय हमने झेला है, परंतु किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है, चाहे कोई राजा महाराजा हो, जिसके जीवन में दुख ना आए जी। तो ये पूरी दुनिया पे दुख आया है, इसका मिलके सामना करना है, हिम्मत हारनी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो नुकसान में आ गए, नुकसान तो सबको ही हुआ है, परंतु हमें वक्त भी मिला है कुछ सोचने का, बैक होके देखने का कि पीछे हमारे जो फुटप्रिंट हैं वो कैसे हैं, हमने क्या किया, हमने क्या पदचिन्ह छोड़े, हमने कितना नुकसान किया, तो वो सब ठीक कर सकते हैं। तो आजकल जो बातें हो रही हैं वो कार्बन फुटप्रिंट की हो रही हैं, ये विशेष तौर पे चल रहा है, जिसके अंदर की अभी 17 जो है गोल्स बनाए गए हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स, जो कि सारी दुनिया के देशों ने माना है, तो जगदम्बा कंपनी भी उनको सपोर्ट करता है कि भी नो पॉवर्टी, नो हंगर और कार्बन सेट ऑफ। तो हम अपनी कंपनी को कार्बन फ्री करने की तरफ चल रहे हैं, हमने यहाँ करीब 250 त्रिवेणी लगाई हैं, और हमने 2 पार्क यहाँ पे अडॉप्ट किए हुए हैं, और भी हम जैसे पैकेजिंग है, मटेरियल है, तो प्रोसेस कम करना और पैकेजिंग को डिग्रेडेबल बनाना, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना और सिंगल यूज़ को ख़त्म करना, बहुत सारे ये विषय हैं जो मुझे इसी टाइम सीखने को मिले। बहुत सारी जूम मीटिंग्स हुई, एजुकेशनल रही, इंस्पिरेशनल रही, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन ऐसे लोगों से हो पाया जो कि शायद अगर कोरोना नहीं होता तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक जूम मीटिंग में हम 200-250 जनों से मिल लेते हैं, और हर तरह के जो है ना पॉसिबिलिटी आई है, और डिजिटल दुनिया से हम लोग जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, संभावनाएं बनी हैं, मैनेजमेंट बेटर हो सकता है, तो बहुत कुछ है। अगर आपको टाइम मिला है और उसको आप यूज कर सकें, अभी भी यूज कर सकें, प्लान कर सकें, तो ऐसा लगता है कि पहली बार अपने आप को टाइम दिया कोरोना की वजह से, और अपने आप को टाइम दिया तो वो अद्भुत रहा। करीब 6 महीने हमने जो है योग और ध्यान पे काम किया, योग ध्यान प्राणायाम समाधि, तो उसकी अद्भुत उपलब्धि रही, फोकस हो पाए। अब उसके बाद करीब 3 या 3.5 महीने सुबह 4 से 6 केवल बिजनेस पे ही विषय पे रहे, बिजनेस पे लिखा और उस पर फोकस किया, तो काफ़ी रिजल्ट आए, जबकि रॉ मटेरियल के भाव दुगने के बराबर हो गए, परंतु हम करीब करीब पुराने रेटों पर ही माल दे पाए। तो हम अपने ग्राहकों की कहो या देश समाज दुनिया की कहो कि हम ये सेवा कर पाए कि उन्हें हमारे लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़े, नहीं तो उनको और लॉस हो जाता। जैसे कि भारतीय मानसिकता है कि भाई ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, वाजिब दाम पे ही माल देना है, तो मैं उस पर रह पाया, तो ये प्रभु की कृपा हुई मुझ पर कि मैं ऐसा कुछ कर पाया। हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी, फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,
महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद स्वागत है, आइए चलते हैं डॉक्टर पवन कंसल जी के पास। सर, अब हम बात करेंगे आपकी जो जगदम्बा कटलरी है उसमें किस प्रकार के उत्पादक बनते हैं। हमारी जगदम्बा कटलरी में स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर, स्टेनलेस स्टील टेबलवेयर, डिनर वेयर, रूम एसेसरीज, बाथरूम एसेसरीज, पेट्स वेयर, होटल वेयर्स, गिफ्ट आइटम्स और प्रमोशनल आइटम्स, इस तरह की सारी आइटम्स बनती हैं, जिसमें मुख्यतः हम लोग जो स्पेशलाइज करते हैं वो कटलरी, स्पून, फोक, नाइफ। कटलरी में पूरी रेंज, जो कि आप कहो 3-course meal, 5-course meal, 11-course meal, टेबल सेटिंग जो होती है उसके लिए सभी आइटम्स, और दुनिया भर के डिज़ाइंस, और रोज़ नए डिज़ाइंस और एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस। जैसे कि मैं बात करूं तो इटली की बात करूं तो इटली में करीब 25 ग्राहक हमारे पास हैं, जिनको सबको एक्सक्लूसिव आइटम देते हैं, एक दूसरे का किसी को नहीं देते, और एक एक आदमी को 200-300 आइटम। जैसे अब होम सेंटर को दिल्ली में हम देते हैं तो उसकी करीब 250 आइटम है, वो और किसी को नहीं देते, उसी के लिए देते हैं। तो बहुत सारी आइटम डेवलप की हैं, सबके लिए स्पेशलाइज बनाते हैं, वास्ट रेंज है बहुत बड़ी, और हर रोज़ नया बनाते हैं, मेक टू ऑर्डर भी बनाते हैं। इसके अंदर में हमारी जो R&D की टीम है, या कहें कि जो टूल रूम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर में जो बैकवर्ड कैलकुलेशन है, जैसा कि वर्ल्ड में आजकल जरूरत है कि भाई सबको सस्ता चाहिए, तो हम उसमें काफ़ी कुछ कर लेते हैं। और ग्लोबल प्राइस चैलेंज मैंने पीछे दिया था, हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर चाइना को या किसी भी कंट्री को, तो ग्लोबल प्राइस चैलेंज हम देते हैं कि भाई दुनिया में कोई भी आए, हम किसी से भी कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तो करीब करीब मैंने 60 जो है टेंडर, ग्लोबल टेंडर्स विन किए हैं। तो क्योंकि भारत का नाम जैसे रतन टाटा जी ने फेमस किया, भाई 1 लाख रुपए में गाड़ी बनाई, तो हमने 1 रुपए में चम्मच बना दी, और एक तरह की चम्मच नहीं, 60 तरह की चम्मच बना दी। तो ये सब कहीं ना कहीं एक मन से जब काम करते हैं और सामने विजन होता है देश के प्रति, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। सर, जैसे बीता वर्ष कोरोना से भरा रहा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो 2022 से आपको क्या उम्मीदें हैं? जो बीता वर्ष कोरोना से तकलीफ में रहा, तो करीब 3 महीने तो काम ही बंद रहा बिल्कुल, फिर उसके बाद हम काम पे लगे तो अड़चने आती रही। आज भी जो है यूरोप बंद है, तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि भाई काम में प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर लगातार प्रयास करने से, काम पे रहने से, प्लानिंग करने से आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए तरीके सूझ जाते हैं। आप लगे रहो, कुछ ना कुछ प्रभु रास्ता देते हैं, हर मुसीबत के अंदर भी जो है ना कहीं रास्ता मिलता है। 2022 हमारा निश्चित ही ग्रोथ का पार्ट होगा, और हम लोग इसी सब्जेक्ट पे भी ग्रोथ करेंगे, चाहे डाइवर्सिफिकेशन और हो पाए या ना हो पाए, कटलरी में भी ज़रूर ज़रूर ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हमने जो अपने खाली टाइम को यूज करके और जो प्लानिंग्स की हैं वो बाकी, तो देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता, प्रभु की माया है, परमात्मा ही है सब करने वाले, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम और हम मिलके जो है ना नए आयाम साबित करेंगे, और दूसरों के लिए निश्चय ही हम इंस्पिरेशन का कारण बनेंगे। सर, जैसे कटलरी का आपका बिजनेस है, तो महिलाएं काफ़ी चूजी होती हैं, तो उनकी जो पसंद है उसको कैसे पूरा करते हैं? महिलाओं की जहाँ तक बात करें, हमारा तो काम ही महिलाओं का है। हाँ, तो सर वो पसंद तो हमारे पास कम से कम नहीं तो समझो 250 तो ऐसी महिलाएं हैं जो देश की अग्रणी और एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन लोगों की चॉइस होती है, तो चॉइस को भी पूरा करना है, फिर उनकी कुछ नीड होती है कि उनको कोई आइटम बाज़ार में नहीं मिल रही है तो वो बनानी है, तो महिलाएं सेटिस्फाई रहें, उसी के लिए हमने सबसे पहले तो ये किया कि प्रोडक्ट से भी पहले सर्विस। तो हमारी कंपनी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्विस देती है अपने ट्रेड पे। अगर किसी को भी माल पसंद नहीं आया तो वो इस्तेमाल करने के बावजूद भी बिना किसी कारण के अपने पैसे वापस ले सकती है और माल वापस दे सकती है। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको ये लगता है भाई अगर चीज़ ख़राब है तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो हमने इस बात का निवारण ये किया है कि भाई अगर जरा सी भी कोई तकलीफ़ है, कुछ है या नहीं है, आपका मन ही नहीं
लग रहा, भाई आपने बर्तन तो मंगा लिए पर आपका मन है मैं दूसरा लूँ, तो आप वापिस दे दो पर महीने के अंदर अंदर। तो मुझे तो लगता है महिलाएं सारी खुश हैं और हो सकता है फ्यूचर में इस कंपनी पे महिलाएं ही राज करें, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का हमारी कंपनी का। और माँ, आपने सुना ही है मेरे बात में, हर जगह माँ का नाम आएगा, तो महिलाएं हैं तो माँ हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब हम बात करेंगे, जो अभी तक कोई ऐसा सपना हो जो आप देखना मतलब पूरा करना चाहते हो, उस सपने को साझा करें हमारे साथ, तो उसको जानना चाहेंगे। मेरा सपना तो अभी विजन ही बनाया है 2025 तक का, जिसमें 1,00,000 परिवार हमारी कंपनी से चले, बाकी तो समृद्धि देश के अंदर आए। यही सपना है कि भाई लोग जो हैं किसी मजबूरी वश भी गलत काम ना करें। तो एक वो भजन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना और भूल कर भी कोई भूल हमसे होना। मेरे देशवासी, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथ काम करने वाले, किसी को भी किसी भी वजह से जो है वो अनएथिकल काम ना करने पड़े, ऐसी देश के अंदर परिस्थिति आए और सब समृद्ध हों। भले ही चाहे हमारे पास कोई कमी हो पर हम मिल बाँट के अपना जीवन जी लें। सर अब बात करेंगे परिवार की, परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिला, स्पेशली तौर पे धर्म पत्नी का? परिवार का पूरा सपोर्ट है, मेरी पत्नी शुरू से ही मेरे सपोर्ट में है। और वो अगर बात कहें तो जैसे शादी हुई तो मैं तेज मिर्ची खाता था तो उन्होंने भी खानी शुरू कर दी, जैसा मैं रहता था वो वैसे ही रहती हैं, जो मैं चाहता हूँ उसकी पसंद वही है। अब मुझे विदेश जाना था तो मुझे महंगे कपड़े और महंगी घड़ियाँ पहननी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे जाके देश दिखाना है, नहीं तो कहते भारत गरीब आदमी है, तो उसने अपने पैसे तक दे दिए, तो उसको कोई लालच नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे आगे उसने प्रमोट किया, आगे पुश किया, मैं बाहर जाना चाहता था, मुझे एंजाइटी होती है देश से बाहर जाने से पहले, मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी रहती है, तो वो मेरे को पुश करती है, भाई जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए, जाओगे तभी होगा। तो पहले पहले जो टूर लगे तो उसमें बड़ा डर था बाहर, क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो हमने फिर इंग्लिश की क्लास ली सुबह 6 से 9, 3-3 महीने की 3 बार। फिर बाहर गए तो खाने पीने की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वेजिटेरियन है, तो धीरे धीरे सब प्रॉब्लम दूर हो गई और अब तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे पास पूरी टीम है, वो लोग ट्रैवल करते हैं, मेरे दोनों बेटे भी काम पे आ चुके हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। सर अब न्यू ईयर पे जैसे लोग प्रण लेते हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ ठानते हैं कि ऐसी चीज़ करेंगे हम जो नया साल आ रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या प्रण लेंगे नए साल पे? मेरा सबसे पहले तो काम पे फोकस तो रहेगा ही, दूसरी चीज़ साथ में ये है कि भाई मैं अपनी सेहत पे थोड़ा काम करूं, क्योंकि मुझे फील होने लगा है कि जैसे चलान वलान कटने लग गए हों ऊपर से, तो अब सेहत पे भी ध्यान देना है और काम भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेलीगेट करनी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है और ज़्यादा जो है काम में इन्वॉल्व होके और रिजल्ट लेके आए, क्योंकि मैं काम करने का जो नज़रिया आज की पीढ़ी का देख रहा हूँ वो फार बेटर है। ये लोग डाटा पे काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, इनके पास में रिपोर्ट्स हैं, इनके पास में एनालिटिक्स है, इनके पास में चॉइस है, इनको मालूम है कि ज़माने को क्या चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे इनके साथ रहने से मज़ा आता है। जैसा अभी किसी ने कहा भी था, अगर तरक्की करनी है तो अपने साथ जवान बच्चों को रखो। और एक अभी मैंने एक जो है ना वो स्पीच एक लड़की की सुनी थी, वो कोई G20 के अंदर में जो है भाषण हुआ उस लड़की का, वो 13-14 साल की लड़की है, तो वो आजकल ये बच्चे जो है ना ग्लोबल बच्चे हैं, तो आजकल वो क्षेत्रीय बात या जातिवाद की बात नहीं रह गई है, आजकल ये बड़ी बात हो गई है, एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। अब मेरे बड़े बेटे का ये एक्सपोजर जो है वो करीब 72 कंट्री का एक्सपोजर है, जिसके अंदर की वो जो हम लोग जो है पुराने ज़माने में 80 साल की उम्र में प्राप्ति कर लेते थे, वो अगले ने 20 साल की उम्र में प्राप्ति कर ली। ही इज़ ए माउंटेनियर, उसने 3 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक करी हैं, तो ऐसी ऐसी जगह पे रहा है वो जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, जहाँ से बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चांद दिखाई देता है,
तो वो जो एकांत में रहे तो उनको भी वो प्राप्ति हुई जो कि कहीं, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे लोगों के साथ जी रहे हैं जो धरती पे जीते जागते भगवान हैं, उनको बस समझना, देखना और उनके साथ अनुसरण करना और ये नई जनरेशन का साथ देना, हम इसी से तरक्की करेंगे। सर अंत में आपसे एक संदेश चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों के लिए नववर्ष को लेकर। नववर्ष को लेके मेरा संदेश तो यही रहेगा कि भाई नववर्ष खूब खुशी से मनाएं, पर घर पे मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, और कोई भी त्यौहार हो घर पे रहें, घर खाली ना छोड़ें। लोग छुट्टियां समझ के घर खाली छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं, मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। अगर होली है, दिवाली है, त्यौहार है तो मैं घर पे रहूँगा या काम पे रहूँगा, काम कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है गवर्नमेंट के 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अगस्त को आप छुट्टी करते हो काम की, परंतु आपको घर पे भी टाइम देना चाहिए, परिवार को टाइम देना चाहिए और परिवार के साथ आप खूब जो है नववर्ष मनाएं और नववर्ष के साथ साथ जो है ना नए भारत का निर्माण करें और अपने अंदर जो जरूरत है उसके ऊपर डिस्कस करें, बदलाव लेके आए जिससे कि आप सब बड़े प्यार से रह सकें। बहुत सारी बातें हमारी ऐसी होंगी जो दूसरों को पसंद नहीं होंगी, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि उस पर हम क्या बदलाव कर सकते हैं, और ये नहीं कि भाई दूसरे हमारे लिए बदलें। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।